नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मौत का समुंदर, एक ऐसा रेगिस्तान जहां जिंदगी का नामो निशान ना हो, वहां सिर्फ 10 साल के अंदर हरियाली की चादर बिछ जाए? क्या आप विश्वास करेंगे अगर हम कहें कि इस चमत्कार के पीछे का राज मिट्टी के नीचे दबाए गए करोड़ों टन सूखे और बेजान पौधे थे? जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगे, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे दुनिया ने पहले अजीब समझा, उसी ने एक पूरे डेजर्ट का नक्शा बदल कर रख दिया। ये कहानी है इंसानी जिद, साइंस और नेचर के एक ऐसे अनोखे संगम की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आज हम आपको बताएंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने रेगिस्तान के नीचे मरे हुए पौधे गाड़ दिए और 10 साल बाद हर चीज बदल गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। मौत का समुंदर, द कुबुकी डेजर्ट। सबसे पहले चलिए उस जगह को जानते हैं जहां ये करिश्मा हुआ। ये कहानी है चाइना के कुबुकी डेजर्ट की। ये गोबी डेजर्ट का ही एक हिस्सा है और बीजिंग शहर से ज्यादा दूर नहीं है। इस जगह को सी ऑफ डेथ यानी मौत का समुंदर भी कहा जाता था, और इसका कारण साफ था। यहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले थे। हर साल भयंकर सैंड स्टॉर्म्स यानी रेत के तूफान उठते थे, जो ना सिर्फ आसपास के शहरों में तबाही मचाते थे बल्कि हवा को इतना जहरीला कर देते थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। यहां रहने वाले लोग गरीबी और लाचारी की जिंदगी जी रहे थे। खेती बाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमीन बंजर थी, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता था। सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा नासूर जो देश के विकास को धीमा कर रहा था, एक पागलपन भरा आइडिया, सूखे पत्तों से हरियाली। ऐसे में जब सारे ट्रेडिशनल तरीके फेल हो रहे थे, तब एक अजीब और सुनने में बिल्कुल इलॉजिकल आइडिया सामने आया। आइडिया था रेगिस्तान की रेत के नीचे लाखों टन डेड प्लांट्स यानी सूखे हुए पौधे, उनकी टहनियां, घास फूस और खेती से निकले कचरे को दबा दो। पहली बार सुनने में यह बिल्कुल उल्टा लगता है ना? हरियाली लाने के लिए जिंदा पौधे लगाए जाते हैं, यहां तो मरे हुए पौधों को दबाने की बात हो रही थी। लेकिन इस क्रेजी आइडिया के पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंस थी। एक्सपर्ट्स ने समझा कि रेगिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वहां बारिश नहीं होती, बल्कि ये है कि वहां की रेत पानी को रोक कर नहीं रख पाती। जैसे ही थोड़ा बहुत पानी गिरता है, वो सीधा जमीन के बहुत नीचे चला जाता है या गर्मी से उड़ जाता है, पौधों की जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता। रेगिस्तान के नीचे जिंदगी का जाल, यहीं पर सूखे पौधों ने अपना जादू दिखाया। जब इस ऑर्गेनिक मैटर को रेत के नीचे एक लेयर में बिछाया गया तो इसने अचानक से कई काम करना शुरू कर दिए। पहला, इसने एक स्पॉन्ज की तरह काम किया। अब जब भी बारिश होती या पानी दिया जाता तो ये सूखे पत्ते उस पानी को सोख लेते थे और धीरे धीरे रिलीज करते थे, ठीक पौधों की जड़ों के पास। दूसरा, समय के साथ ये ऑर्गेनिक मैटर जमीन के अंदर सड़ने लगा, डीकम्पोज होने लगा। इस प्रोसेस से ह्यूमस बना, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। इसने बंजर रेत को धीरे धीरे उपजाऊ मिट्टी में बदलना शुरू कर दिया। ये एक तरह से जमीन के नीचे एक नेचुरल खाद की फैक्ट्री बनाने जैसा था। तीसरा, इस लेयर ने जमीन के नीचे पानी के इवेपोरेशन को भी बहुत कम कर दिया, जिससे नमी ज्यादा देर तक बरकरार रहने लगी। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट था। जमीन को ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से ठीक करो, मिशन ग्रीन स्टॉर्म, मेहनत और टेक्नोलॉजी का संगम। लेकिन सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता, इसको जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ा मिशन था। इस प्रोजेक्ट में चीन की सरकार, स्थानीय लोगों और इलियन ग्रुप जैसी प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर काम किया। उन्होंने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहले रेत के टीलों को स्थिर करना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने स्ट्रॉ चेकरबोर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें सूखी घास से रेत के ऊपर एक बार 1 मीटर के स्क्वायर बॉक्स बनाए जाते हैं। ये बॉक्स हवा की रफ्तार को तोड़ देते हैं और रेत को उड़ने से रोकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ असली काम। हजारों वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके पौधे लगाए। उन्होंने ऐसी प्रजातियां चुनी जो कम पानी में भी जिंदा रह सकती हैं, जैसे कि लिकोरिस, मुलेठी। पौधे लगाने के लिए भी हाई प्रेशर वाटर जेट्स जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे रेत में आसानी से गड्ढा करके पौधा लगाया जा सकता था। ये मेहनत, पैसा और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। 10 साल बाद का करिश्मा, एक नया इकोसिस्टम।
और फिर 10 साल की लगातार कोशिशों के बाद जो नतीजे सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुबुकी डेजर्ट का लगभग एक तिहाई हिस्सा यानी 6000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका हरा भरा हो गया। जो जगह कभी मौत का समुंदर कहलाती थी वहां अब एक नया इकोसिस्टम पनपने लगा था। मौसम में बदलाव आने लगा, बारिश पहले से ज्यादा होने लगी, सालों से गायब पंछी और जानवर वापस लौटने लगे। लेकिन इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं हुआ, यहां के लोगों की जिंदगी बदल गई। जिन्होंने कभी गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा था उन्हें अब काम मिलने लगा था। लिकोरिस जैसी फसलों की खेती से उनकी आमदनी बढ़ी, इको टूरिज्म शुरू हो गया और इस हरियाली के बीच में दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म्स में से एक लगाया गया, जिससे क्लीन एनर्जी पैदा होने लगी। यानी कि एक तीर से कई निशाने लगे, डिजर्टिफिकेशन रुका, पॉवर्टी कम हुई और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिला। इस कहानी से भारत क्या सीख सकता है? दोस्तों, चाइना की ये कहानी सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि हम यानी भारत इससे क्या सीख सकते हैं। हमारे देश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण की चपेट में है। राजस्थान का थार, रेगिस्तान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसा अभियान इसका एक उदाहरण है। हमारे पास जदाव पयंग जैसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी हैं, जिन्होंने अकेले ही एक पूरा जंगल उगा दिया। लेकिन कुबुकी मॉडल से हम कुछ खास बातें सीख सकते हैं। पहली, लॉन्ग टर्म विजन। ऐसे प्रोजेक्ट्स एक या दो साल में नतीजा नहीं देते, इसके लिए दशकों की प्लानिंग और पेशेंस चाहिए। दूसरी, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। सरकार, प्राइवेट कंपनी और सबसे जरूरी लोकल लोगों को जब तक इस मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। कुबुकी में लोकल लोगों को न सिर्फ काम दिया गया बल्कि उन्हें जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया, जिससे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपना समझा। तीसरी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल। केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय उन्होंने नेचर के ही साइकिल को समझा और उसी का इस्तेमाल करके जमीन को जिंदा किया। हम भी अपने ट्रेडिशनल ज्ञान और मॉडर्न साइंस को मिलाकर ऐसे ही सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं जो हमारे लोकल एनवायरनमेंट के अनुकूल हों। एक सोच जो दुनिया बदल दे। तो दोस्तों, कुबुकी डेजर्ट की ये कहानी सिर्फ जमीन को हरा करने की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो वो प्रकृति के साथ मिलकर बड़े से बड़े चैलेंजेस को भी पार कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या में ही उसका समाधान भी छिपा होता है। जिसे हम खेती का कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी कचरे ने एक पूरे रेगिस्तान को जिंदगी दे दी। ये एक उम्मीद है, एक इंस्पिरेशन है उन सभी देशों के लिए जो क्लाइमेट चेंज और जमीन के बंजर होने की समस्या से लड़ रहे हैं। एक आइडिया, एक सही अप्रोच और ना हार मानने वाला जज्बा दुनिया बदल सकता है। आपको ये अनोखी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके एरिया में ऐसी कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जिसे एक क्रिएटिव आइडिया से सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।